एक गांव में एक सेठ रहता था। उस सेठ की दो बीवियां थीं। उसकी बड़ी पत्नी के सिर पर बाल बहुत ही कम थे और छोटी पत्नी के सिर पर थे काले लंबे और घने बाल, इसलिए छोटी बहू को अपने ऊपर घमंड भी अधिक था। छोटी बहू, अरे ओ छोटी बहू, कब से बुला रहा हूँ पर तुम सुनती ही नहीं हो। अरे कहाँ चली गई हो? आपने मुझे बुलाया? दरअसल मैं कुछ काम कर रही थी तो ठीक से सुनाई नहीं दिया। तुम्हें तो मैंने नहीं बुलाया है, पर मुझे लगा कि आप मुझे बुला रहे हैं। क्या पता तुमने क्या सुना। अब कान खोल कर सुन लो, मैंने तुम्हें नहीं छोटी बहू को बुला रहा था, समझी? ओह, तो लगता है कि मैंने गलत सुन लिया। हो सकता है, पर छोटी बहू है कहाँ? वो छोटी बहू अपने बाल बनाने में व्यस्त है। आपको क्या चाहिए मुझे बताइए ना, मैं लेकर आती हूँ। आने में जरा देर हो गई तो मेरी शिकायत करनी शुरू कर दी। मैंने कब? रहने दो, तुम्हें सफाई देने की जरूरत नहीं। जैसे मैं पूरा दिन अपना रूम संभालने में व्यस्त रहती हूँ, ऐसा जताती हो तुम कि सारा गृहस्थी का काम तुम ही करती हो। मैंने ऐसा कब कहा छोटी? कहने को बचा ही क्या है, तुम्हारी बातों का मतलब मैं अच्छे से समझती हूँ। ये क्या कह रही हो तुम? ठीक ही कह रही हूँ मैं। और कितना झूठ बोलोगी तुम मेरे बारे में? हे भगवान, क्या दिन आ गए हैं और बिल के सामने तुम मुझे झूठी साबित कर रही हो। बस यही सुनना बाकी रह गया था। रुको छोटी, अब बस भी करो। नहीं, तुम ही चुप हो जाओ बड़ी बहू। बात बात पर मुझे झगड़ा बिल्कुल पसंद नहीं है। झगड़ा मैं कर रही हूँ या ये छोटी कर रही है? ये तो हर बेकार की बातें बंद करो और जाकर अपना काम करो। हमेशा दूसरों की गलतियाँ निकालती रहती हो। ठीक है, क्या काम करना है बताइए। कौन सा काम? जाओ और जाके मेरे लिए एक पान लगा कर ले आओ। और सुनो, गुस्से में ज्यादा चुनाव मत डाल देना, नहीं तो जीभ कट जाएगी। अब ऐसे क्या देख रही हो, जाओ यहाँ से, जाओ। अरे अरे छोटी बहू, वाह 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 वाह। अरे नहीं, रहने दीजिए, मैं सब समझती हूँ। अरे सुनो, मुझे तुम्हें एक बात बतानी है, सुनो ना। क्या बात है? कल सुबह मैं व्यापार के लिए जाऊँगा और देश विदेश में व्यापार करके एक महीने बाद लौटूंगा, इसलिए। इसलिए क्या? देखो बड़ी बहू को कुछ भी मत बताना, समझ गई? उस गाली कलोटी, बड़ी बहू का चेहरा देखकर व्यापार करने जाऊंगा तो बहुत भारी नुकसान हो जाएगा। हाँ सही कहा आपने, बहुत सारी निर्लज देखे हैं पर उसके जैसा नहीं देखा। हे प्रभु, ये क्या कह रहे हैं, अब यही सुनना बाकी रह गया था। पर फिर भी प्रभु, मेरे पति का ध्यान रखना। चलता हूँ छोटी बहू, अपना ध्यान रखना। अपना अच्छे से ध्यान रखना। हाँ मैं अपना ध्यान रखूंगी, पर व्यापार से लौटते समय मेरे लिए रेशमी साड़ी, सोने का सुंदर हार और मोतियों का हार लाना मत भूलिएगा। अच्छा अच्छा अच्छा, ले आऊंगा छोटी बहू, ले आऊंगा। अपना ख्याल रखिएगा और सही सलामत लौट आइए, और मुझे कुछ भी नहीं चाहिए। अरे यहाँ ऐसे खाली बैठकर किसका बुरा सोच रही हो तुम? मैं क्यों किसी का बुरा सोचूंगी छोटी, ऐसा सोचना भी पाप होता है। पाप पुण्य छोड़कर घर के काम जल्दी खत्म करो। घर पोछना, बर्तन धोना, खाना बनाना, ये सब करने के लिए भी तुम्हें नहीं, कहना नहीं, पड़ेगा। मैं सब करती हूँ, एक एक करके सारे काम कर लूंगी मैं। करने में ही भलाई है, नहीं तो काम कैसे कराया जाता है मैं अच्छे से जानती हूँ। अपने इन लंबे बालों को तो मैं सवार ही नहीं पा रही हूँ। मैं सवार दूँ छोटी? तुम सवारोगी मेरे बाल? बालों को कैसे सवारा जाता है वो तुम क्या जानो? मेरे सर पर बाल कम है, इसका मतलब मैं बालों को सवारना नहीं जानती। ठीक है, मेरे बालों को सवार के दिखाओ। पर ध्यान देना, कंघी करते करते मेरे सारे बाल नोच कर मुझे भी अपने जैसा मत बना देना। नहीं नहीं छोटी, कंघी करने पर कुछ बाल तो गिरते ही है ना, तुम अपने बाल बांधकर क्यों नहीं रखती हो छोटी? रहने दो, अपना ज्ञान मुझे मत सिखाओ, काम करके सुनाना तो तुम्हारी आदत है। ओह, खींच खींच कर मेरे सारे बाल ही निकाल दिए। बस बस इतने ही तो गिरे हैं। ये इतने ही है? मैं सब समझती हूँ, बाल बनाने के बहाने तुम मेरे सारे बाल नोच कर मुझे गंजी बनाना चाहती हो।
रुको, आज मैं तुम्हें सही सबक सिखाती हूँ। अरे अरे छोड़ो छोड़ो, मुझे मुझे बहुत दर्द हो रहा है छोटी, छोड़ो, तुम्हारे बालों को हाथ नहीं लगाऊंगी मैं, अब कभी हाथ नहीं लगाऊंगी। अब जाकर तुम्हारा रूप निखरा है, ऐसा लग रहा है जैसे बंदरों के राज्य की राजकुमारी हो। नहीं, बहुत हो गया, पर अब और नहीं, अब मैं यहाँ नहीं रहूंगी, तुम अपनी गृहस्थी खुद संभालो, मैं जा रही हूँ यहाँ से। जा रही हो? जाओ, आखिर जाओगी कहाँ, घूम फिर कर तो यही आओगी, और जब तुम वापस आओगे ना तो देखना मैं तुम्हारा क्या करती हूँ। नहीं, अब मैं इन मनुष्यों की दुनिया में और नहीं रहूंगी, ना मेरे पास रूप है और ना रंग, मैं कैसे लोगों के सामने जाऊंगी, इससे अच्छा है मेरा इस जंगल में रहना। अरे रे रे, इस पेड़ के नीचे कितनी गंदगी है, ना ना ना, जाने से पहले मैं यहाँ की जरा सफाई कर देती हूँ। आखिर तुम कौन हो? तुम्हारा स्वभाव देखकर मैं बहुत खुश हुआ, तुम्हारे सारे दुख दर्द दूर हो जाए, तुम हमेशा खुश रहो। अरे दीदी, वो केले का पेड़ केले के बाहर से कैसे झुक गया है, ना 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 ना, कैसे भी करके उसे सीधा करना ही होगा मुझे। करूं तो क्या करूं? हाँ, मिल गया, इस सूखी डाली से मैं इस पेड़ को सहारा देती हूँ। वाह बेटी वाह, तुम्हारी दया और माया देखकर मैं खुश हुई, दुख तुमसे दूर हो जाए और तुम सुखी हो जाओ। मेरा परम सौभाग्य है कि मुझे इस स्थान पर आप जैसे साधु के दर्शन प्राप्त हुए, मुझे आशीर्वाद दीजिए बाबा। तुम कौन हो पुत्री? इस घने भयानक जंगल में तुम किस काम से आई हो? आप तो अंतर्यामी हैं बाबा, आपको तो सब कुछ पता है, अपने दुख के बाद मैं अपने मुंह से कैसे कहूँ, मुझ पर दया कीजिए बाबा। ठीक है, तो फिर जाओ पुत्री, यहाँ पास में ही एक जलाशय है, वहाँ बस एक बार डुबकी लगा के मेरे पास लौट आओ पुत्री। ठीक है बाबा, आप जैसा कहेंगे मैं वैसा ही करूंगी। मेरे मन को शांति दीजिए प्रभु। अरे अरे, ये क्या, ये कैसा चमत्कार है, मैं इतनी सुंदर हो गई, मेरा रूप इतना सुंदर हो गया, इतने लंबे बाल, ये निश्चित ही साधु बाबा का चमत्कार है, उनके पास फिर से लौट जाती हूँ, प्रभु आप महान हैं। अरे अरे, ये क्या कर रही हो पुत्री, उठो उठो उठो। ये लो पुत्री, ये टोकरी तुम्हारे लिए है। क्या कहा, ये गहनों से भरी टोकरी, ये सब मेरे लिए है बाबा। हाँ पुत्री, ये गहने रत्न सब निकाल भी लोगी, टोकरी खाली कर देने पर भी वापस फिर से भर जाएगी। पर मुझे ये सब क्यों दिया बाबा, मुझे ये सब नहीं चाहिए। तुम्हारी सरलता और भलमानसता पे खुश होके मैंने उपहार स्वरूप तुम्हें ये टोकरी दी है, जाओ जाओ और खुशी खुशी अपना जीवन व्यतीत करो पुत्री। जाने से पहले मेरे ये पीले पत्ते तोड़ कर ले जाओ, इसे हिलाते ही हर तरह के व्यंजन प्राप्त हो जाएंगे। धन्यवाद केला देवी। जाने से पहले एक बार मेरे पास आओ बेटी। कैसे हैं आप पेड़ महाशय? मेरे पेड़ पर जो सूखी डाली दिख रही है उसे तोड़ लो, और उसे हिलाते ही सिर्फ सूती ही नहीं, रेशमी, मलमल, हर तरह के कपड़े मिल जाएंगे तुम्हें।
धन्यवाद महाशय, आपका ये उपकार मैं जिंदगी भर नहीं भूलूंगी। क्यों रे छोटी, मुझे नहीं पहचाना क्या? अरे अरे अरे, ये मैं क्या देख रही हूँ, तुम इतनी सुंदर कैसे हो गई? इतना गोरा रंग, इतने लंबे बाल। बताती हूँ, पहले भीतर तो चलो, जरा सांस तो ले लूँ मैं। हाँ हाँ जल्दी चलो, तुम्हारी बातें सुनने के लिए मैं बहुत बेचैन हो रही हूँ। तो ये सब हुआ मेरे साथ, अब समझे तुम कि क्या हुआ था? पर जो कुछ भी हुआ बहुत ही अच्छा हुआ। चलो अब हम दोनों इसे आपस में बांट लेते हैं। अभी हुआ कहाँ है, कांड तो अब होगा। अब मैं जाऊंगी जंगल और उसके बाद देखना क्या होता है। और इन रत्नों की बात कर रही हो तो रत्नों को तुम रखो, देखना मैं तुमसे भी ज्यादा रूपवती होकर लौटूंगी। सुनो बेटी, थोड़ा यहाँ सफाई करती जाओगी? तुम क्या पागल हो गए हो, मैं साफ करूँगी? तुमने ऐसी बात सोची भी कैसे, जाओ अपना काम करो। चलो हटो। अरे बेटी जरा देखो, मैं गिर रही हूँ, मुझे सीधा कर दोगी जरा? कहने से पहले सोचा करो किससे क्या कह रही हो, अगर फिर से ऐसी बात कही तो सीधा नहीं खींच कर पूरा तोड़ ही डालूंगी तुम्हें। ओह बाबा, आखिर में इतनी दूर आकर आपके दर्शन हो ही गए मुझे साधु बाबा। तुम कौन हो बेटी, क्या चाहिए तुम्हें? हाँ हाँ, जल्दी से मुझे भी वो रूप का जादुई तालाब दिखाइए ना, तो मैं भी वहाँ जाकर परम सुंदरी बनकर आ जाऊँ। लेकिन सावधान, सिर्फ एक ही डुबकी लगा के वापस चली आना। अरे अरे अरे, ये क्या, मेरे देह का रंग कितना सुंदर और निखर गया है। नहीं 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 नहीं, एक डुबकी में अगर ऐसा हो तो दूसरी डुबकी लगाने पर न जाने क्या हो जाएगा। एक बार और डुबकी लगाती हूँ। अरे ये क्या, कुछ नहीं हो रहा है मेरे साथ, अब मैं क्या करूँ? बाबा जी, ये क्या हुआ, ऐसे क्यों हुआ मेरे साथ? तुम सिर्फ लालची ही नहीं, साथ ही अहंकारी और ईर्ष्यालु भी हो, इसकी सजा तुम्हें मिलनी ही थी। अब ऐसे ही संपूर्ण जीवन व्यतीत करो। मुझे क्षमा कर दीजिए बाबा जी, मुझे क्षमा कर दीजिए बाबा जी। छोटी बीवी ने जंगल में रहकर ही अपना बाकी जीवन बिता दिया और बड़ी बीवी सुख शांति से सेठ के साथ अपना जीवन व्यतीत करने लगी। तो समझे ना, ज्यादा लालच का फल क्या होता है, जो सबका भला करता है उसका अंत भी भला ही होता है।